सेंटर स्टिच डबल क्रॉच का होता है। देखिए इसको भी बनाने के लिए वही स्टिचिंग, जो स्टिचिंग हम करते हैं, चाहे उसको हम वार्प डायरेक्शन में करें और या सेल्फ स्टिच से करें या सेंटर स्टिच से करें, दो ही अपने सिलेबस में हैं। तो स्टिचिंग का मतलब तो सबको पता ही है। इसमें भी इसको ग्राफ पेपर ड्रॉ करने के लिए हमें इसमें 7 कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है, जो इस प्रकार है। पहली है, इसको नोट कर लीजिए सब लोग, फेस बी को फेस इंड एंड फेस पिक में फिल करना। दूसरा है, फेस बी को बैक इंड एंड बैक पिक में फिल करना। तीसरा, सभी फेस इंड को बैक पिक में ऊपर उठा देना। चौथा है, सेंटर इंड, सेंटर इंड वीव के मिड पॉइंट पर होगा। पाँचवा है, सेंटर में सभी बैक पिक को अप करना। छठा है, सेंटर में किसी एक पिक को अप करना। सातवां है, सेंटर में किसी एक बैक पिक को डाउन डाउन करना। अब आगे देखिए ग्राफ पेपर पे हम इस डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ से पहले बनी हुई है, इसमें भी वही कंडीशन। पहले फेस व्यू ले लेते हैं, फेस व्यू, फिर एक बैक, दो नहीं लेंगे भरने के लिए। हम इसको वार्प और वेब डायरेक्शन में भर सकते हैं, लेकिन दिखाना हमको एक ही है। ऐसे ऐसे कुछ लोग उसमें वेब सेल्फ स्टेज में गलत किए, यहाँ पे भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए, केवल एक ही हमें दिखाना, ठीक है। अब इसका बॉक्स कैसे लेंगे, बॉक्स इसका ऐड करने पर इवेंट नंबर तो रहना ही चाहिए। उसके बाद देखिए इसका थोड़ा सा अंतर है, बॉक्स लेंगे क्या, फेस फेस वीव इंटू 2+1, ठीक है। फेस वीव हमारी ये है इंटू 2+1, फिर पूरे का ये इसे ब्रैकेट में करके इंटू इंटू कर दीजिए, फिर बैक वीव इंड इंटू 2, पूरा ब्रैकेट में रहेगा ये, उसमें फिर इंटू लगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये इंड कितना 5 है, 5 × 10 = 10, यहाँ पे देखिए 10+1 = 11, और ये 5 × 2 5 × इसका है 2 10, तो जो बॉक्स बनेगा कितने का बनेगा, 11 × 12। 11 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे लिखा था कि जो सेंटर इंड है वो वीव के मिड पॉइंट पे होगा, जो हमारी स्टिचिंग पॉइंट होती है। इसमें एक बॉक्स हम अलग से स्टिचिंग के लिए छोड़ देते हैं, वही एक बॉक्स वहाँ पे बढ़ रहा, नहीं तो 10 × 10 में बन जाता। अब वही एक बॉक्स बन रहा जो हमारा क्या करेगा, स्टिचिंग करेगा, सेंटर पे स्टिचिंग करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो ये बॉक्स हमारा कितना बना, 11 × 10, तो 11 × 10 यानी वार्प डायरेक्शन। जब वार्प में, अभी ये सेंटर स्टिच है हमारा वार्प डायरेक्शन का, वार्प का सेंटर स्टिच है वार्प का, वार्प में वार्प डायरेक्शन में एक अलग से बॉक्स, ये पहले से हम देखिए यहाँ पे सी कर लिए, सी लिख लिए सेंटर, एक खाली पूरा छोड़ देते हैं पहले के लिए, तो वही 11 हो जाता है। ये 11 हो गया और ये पिक में जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, वो 10 ही रहेगा, ये जैसा कि यहाँ बॉक्स में आया था 11 × 10, ठीक है। अब इसमें भी वही प्रोसेस, पहली डिजाइन, पहला कंडीशन क्या थी, फेस बीप को फेस इन तथा फेस पिक में करना, फिल करना, ठीक है, पहली कंडीशन। तो फेस बीप में वैसे ही, जैसे इसको देखिए अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है, 3 up 2 down, यहाँ पे फेस इन तथा फेस पिक, फेस पिक कहाँ कहाँ, ये है, ये है, ये है, जहाँ जहाँ भी है, फेस इन ये हो गया, फेस पिक ये हो गया, जहाँ पे है तो 3 up दिखा दिया गया, ब्लैक कलर से क्रॉस में है। देखिए इसी पूरी डिज़ाइन को यहाँ पे भर देना है, बस सेंटर को छोड़ देना है, फिलहाल अभी पूरा सेंटर को छोड़ देना है, सेंटर छोड़ के ये सिक्वेंस कर लेना है, सेंटर की जगह में सी लिख दीजिए, बस उसको छोड़ के पूरा सिक्वेंस कर देना है, फेस बैक फेस, इसको छोड़ के बैक फेस बैक ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा बीप को इसमें इसी तरह, जैसे कि उसके बाद 3 up यहाँ पे है, तो इसको छोड़ के 3 up ये हो गया, फिर अगला ये है, फिर सेंटर को छोड़ दिए हैं तो अगला हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ने के बाद। फिर इसके बाद ये बैक बीप, उसको भी ऐसे 3 up 2 down, सेंटर को उसको छोड़ देना है, ऐसे पूरी डिजाइन उठा के यहाँ भर देना है। अगली कंडीशन क्या थी, बैक बीप को भर दिए, फिर तीसरी कंडीशन थी, सभी फेस इंड को बैक पिक में ऊपर उठा देना। सभी फेस इंड को, देखिए ये इंड होता है, सभी फेस इंड को बैक पिक में ऊपर उठा देना, जो रेड कलर से दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए सब पूरा लिखा हुआ है रेड कलर से है ना, अभी इसको दिखा देंगे। ये बैक, तीसरी कंडीशन, सभी फेस इंड को बैक पिक में ऊपर उठा देना,
सभी फेस इंड को, ये फेस इंड है, बैक पिक ये, सभी बैक पिक में ऊपर उठा देना, ये रेड कलर से, सभी बैक पिक में ऊपर उठा देना, सेंटर को छोड़ के सभी बैक पिक में ऊपर उठा देना, हो गया। अगली कंडीशन क्या है, चौथी है सेंटर इंड, वही सेंटर इंड वीप के मिड पॉइंट पे होगा, चल ठीक है सेंटर इंड वीप के मिड पॉइंट पे होगा। पांचवी क्या है, सेंटर में सभी बैक पिक, सेंटर में सभी बैक पिक को अप कर देना, सेंटर में सभी बैक पिक को अप कर देना, तो ये बैक पिक ये है, ये देखिए अप किया गया, सेंटर में सभी जो ये डॉट डबल लाइन दिखा रहा है, ये सेंटर में सभी बैक पिक को, ये लिखा है सेंटर में सभी बैक पिक को अप किया गया, तो ये जो डबल दिखा रहा है ना, सेंटर में सभी बैक पिक को अप किया गया, ये कौन सी थी, पांचवी कंडीशन है। छठवीं क्या है, सेंटर में किसी एक पॉइंट, किसी सेंटर में किसी एक पिक को अप करना है, सेंटर में किसी एक पिक को अप करना है, ठीक है, सेंटर में किसी एक पिक को अप करना है, तो सेंटर में किसी एक पिक को अप कर दीजिए, ठीक है, तो सेंटर में किसी एक पिक को अप करना, तो देखिए यहाँ पे सेंटर में ऐसी जगह कीजिए जहाँ पे थोड़ा स्टिचिंग अच्छे से हो, ये स्टिचिंग हो रही है, कोई अप होगा कोई डाउन होगा, तो यहाँ पे देखिए जेड जेड डिनोट किया गया है, सेंटर में किसी एक पॉइंट पे किसी पिक को हमें अप कर देना है, ठीक है, तो ये अप जेड को दिखाया गया, यहाँ पे शो किया गया, ये देखिए सेंटर में किसी एक पिक को अप किया गया, ये जेड को डिनोट किया कि सेंटर में यहाँ पे हम इसको अप कर दिए। अगला क्या है, सेंटर में अगला जो हमारा पॉइंट है छठा, सेंटर में किसी, नहीं छठा तो हो चुका है सेंटर, अब अगला सातवां है, सेंटर में किसी एक बैक पिक को डाउन कर देना, ये फेस पिक को हम अप कर दिए हैं, अब किसी एक बैक पिक को डाउन करना है, तो बैक पिक को डाउन करने के लिए ये सब बैक ही पिक थे जो ये डबल लाइन से थे बैक पिक, किसी को डाउन करना, तो ये सर्कल वाला हम क्या किए डाउन, किसी को भी कर सकते, तो लेकिन ऐसी कंडीशन ऐसी जगह करो जहाँ पे हमारा स्टिचिंग पॉइंट अच्छे से हो सके, एक दूरी पे थोड़ा दूरी बनी रहेगी तो सही से बैलेंस रहेगा, पूरी पूरा हमारा क्लॉथ का स्ट्रक्चर जो रहेगा बैलेंस रहेगा, तो यहाँ पे हम ये डबल जो सर्कल दिखाया गया इसका मतलब क्या हुआ, एक बैक पिक को डाउन किया गया, यहाँ पे ये फेस पिक था जो जेड था, इसको क्या किया गया अप किया गया, यहाँ पे देखिए सब लिखा हुआ है, ये सर्कल है सेंटर में किसी एक बैक पिक को डाउन किया गया, जेड क्या था सेंटर में किसी एक फेस पिक को अप किया गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट होती है, ये वाली, ये फिलहाल ये कंप्लीट होगा। अब ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, ये चीज़ सेंटर वाला समझ में आ गया ना सबको, आ गया नहीं तो कमेंट के माध्यम से हम बता देंगे, तो जिस हिसाब से कंडीशन लिए कंडीशन याद रहेगी तो आप इसको बना सकेंगे। अब इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए क्या है, वैसे ऐसे वार्प का बनाते थे सेल्फ स्टिच का, एक एक छोड़ के, लेकिन सेंटर में कुछ नहीं करना, सेंटर छोड़ के बाकी हमको वैसे बनाना है। अब देखिए यहाँ एक एक ये हो गया भाई, इसके सामने तो ये आएगा नहीं, वो तो सबको पता है, तो ऊपर ही जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, सेंटर को छोड़ के इसे भर देंगे, अब यहाँ तक तो कोई आ ही नहीं सकता, अब सेंटर डिजाइन इन सब से अलग है, तो एक सेंटर के लिए अलग से यहाँ दिखा दिया गया, ये सेंटर भी हो गया, अब यहाँ तक तो कोई आ नहीं सकता, यहाँ तक कोई आ नहीं सकता, तो बचा अब जो जो खाली जगह है वहाँ पे क्या करेंगे, जो खाली जगह जो डिजाइन बची है उसका ड्राफ्ट ऐसे ड्रॉ कर देंगे, सेंटर के लिए यहाँ पे अलग से छोड़ना पड़ेगा, बस इतने अंतर है। उसके बाद फिर टेकपान बनाएंगे, टेकपान बनाने के लिए क्या है, एक एक जाके यहाँ पे आपको देखना है, जैसे एक हम केवल बना दिए, बाकी आप लोगों को करना है, यहाँ पे फर्स्ट पे जाएंगे, आप जो डिजाइन है उसको यहाँ पे आप सीधा सीधा वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं, इसे ड्रॉ करके इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।